टूडे वी आर स्टार्टिंग ए न्यू चैप्टर एल्टिहाइड एंड कार्बोक्सिलिक एसिड एलडीहाइड्स कीटून्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड कार्बॉक्सिलिक और कार बोल सकते हो कोई चिंता नहीं

ऐसे कंपाउंड जिनमें सी ओ ओ एच ग्रुप होता है उनको हम कार्बोक्सिलिक एसिड्स बोलते हैं पता है हमें सी ओ ओ एच ग्रुप इज नोन एज एसिड ग्रुप राइट तो लिखेंगे दो कंपाउंड विच कंटेन दोज कंपाउंड्स Which contain COOH group, COOH. और हम ऐसे भी लिख सकते हैं और C double bond O and OH group are known as carboxylic acids. are known as कार्बोक्सिलिक एसिड्स एक्चुअली इसमें ना दो ग्रुप्स होते हैं कार्बोनाइल ग्रुप सी डबल बॉन्ड ओ एंड हाइड्रॉक्सिल ग्रुप ओ एच ग्रुप कार्बोनाइल से कार्बो वर्ड लिया गया है और हाइड्रॉक्सिल से ऑक्सिल वर्ड दिया गया है कार्बो कार्बोक्सिलिक राइट जैसे मैं एग्जांपल देता हूं कोई हम लेते हैं एच के सी ओ ओ एच पहला कार्बोक्सिलिक एसिड मिथेनॉइक एसिड एक कार्बन का ओइक एसिड वी कैन राइट मिथेनॉइक एसिड ब्रैकेट्स में साइड में नाम इसका एंड सपोज सी एच थ्री सी ओ एच दो कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड दो कार्बन की चेन है तो इथ इत, इथेनोइक एसिड इट मिथेनॉइक एसिड एंड सो पहला क्वेश्चन व्हाट आर कार्बोक्सिलिक कार्बोक्सिलिक एसिड्स एसिड्स आर कार्बोक्सिल्स ऑर्गेनिक कंपाउंड सी ओ एच ग्रुप बेटर है अगर आप ऐसे लिखेंगे दो ऑर्गेनिक कंपाउंड सीओ एच ग्रुप और नोन एज कार्बोक्सिल एसिड्स राइट पहला क्वेश्चन है अब दूसरा लिखेंगे सेकेंड नाउ explain structure of carboxylic acids explain structure of carboxylic acids अब आपको पता है पता होना चाहिए सी डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O जो है अगर मैं इसको ऐसे भी जस्ट समझने के लिए जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग मुझे दिखाना है अब हम डिफरेंट तरीकों से दिखा सकते हैं इसको, I can write like this, C, आगे, आगे हम इसको आई कैन राइट लाइक दिस सी एक मिनट हम ऐसे लिखे इस पहले हम फर्स्ट सी डबल बॉन्ड ओ सिंगल बॉन्ड ओ एच क्योंकि ओ OH एच जो है ये कार्बन जो है एक पाई बॉन्ड है तो एस पी टू हाइब्रिडाइजेशन होगी एसपी टू हाइब्रिडाइजेशन तो ट्रा, ट्राइगनल प्लेनरी होता है तो हम ऐसे लिख सकते हैं और यू कैन राइट लाइक दिस एज वेल ऐसे भी लिख सकते हो डबल बॉन्ड इधर से डाल दो सी डबल बॉन्ड ओ एक साइड में अल्काइल ग्रुप और एक साइड में ओ एच ठीक है हमें स्ट्रक्चर देना है तो हम कैसे दे देंगे इसको भी ध्यान रखना है ओ एच को तो सिंगल बॉन्ड है सिर्फ पाई बॉन्ड दिखाना है तो ये स्ट्रक्चर है अब इसमें अगर मैं हाइब्रिडाइजेशन की बात करूं जिस कार्बन जो है इट इज एस पी टू हाइब्रिडाइज तो फिर आपको समझ आया होगा कि इसमें एक अनहाइब्रिडाइज्ड टू पी जेड होगा और वही पी के ऑक्सीजन के साथ वो बॉन्ड बनाता देख लीजिए कैसे फिर नीचे बनाएंगे अब फिर दोबारा से सिंगल बॉन्ड पता है क्योंकि एस पी टू हाइब्रडाइज कार्बन का सिंगल बॉन्ड बनाएगा आर के साथ कार्बन के साथ यहां ओच के साथ बनाएगा एक बॉन्ड ओच के साथ बना दिया एक सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ ठीक है ना फिर यहां पर सिंगल बॉन्ड बनेगा ऑक्सीजन के साथ और कार्बन पर एक अनहाइ्रोडाइज होगा एक ऑर्बिटल टू पी जेड लाइक दिस और ऑक्सीजन में तो दो अगर ऑक्सीजन का आप देखेंगे ऑक्सीजन अगर मैं यहां लिखू भी वन एस टू टू एस टू टू पी एक्स टू टू पी वाई वन एंड टू पी जेड वन सो टू पी वाई एंड टू पी जेड हाफ फिल्ड है एक टू पी वाई ने बना दिया कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड तो दूसरा इसमें जो टू पी जेड है पी ऑर्बिटल ये कोई हाइब्रिड ऑर्बिटल नहीं सिंपल पी ऑर्बिटल ऑक्सीजन का पी ऑर्बिटल ये इसके साथ पाई बॉन्ड बनाएगा ये हम दिखा रहे हैं पाई बॉन्ड कैसे बना सो सिंपल कार्बन क्योंकि sp2 हाइब्रिडाइज़ है तो तीन सिग्मा बॉन्ड तो बनाएगा ही वो तो बनाया एक साइड में ऑक्सीजन के साथ एक साइड में आर के साथ एक साइड में ओएच ग्रुप OH के साथ फिर ये पाई बॉन्ड कैसे बना दिस इज पाई बॉन्ड फॉर्मेशन सो बस ये इसका स्ट्रक्चर जो ऊपर है फाइनल स्ट्रक्चर इसको मैंने ऑर्बिटल के फॉर्म में भी बना दिया आप बना भी सकते हो नोट कर लीजिए नॉर्मन क्लेचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स कॉमन नेम्स की बात हम कर रहे हैं दीज नेम्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन और ग्रीक नेम्स

अब मैं लिख रहा हूं यहां पर सपोज मैं पहला इसे लेता एच सी ओ ओ एच डायरेक्ट लिख लो कोई था नहीं। इस एच का नाम जो है इसको हमने ड्राइव किया है रेड एंट से इसे सोर्स इसका रेड एंट से इसका नाम निकाला गया है स्टार्टिंग में जब कॉमन नेम की बात आई है लैटिन में रेड एंड्स को लैटिन वर्ड से तीसरे कॉल में लैटिन में इन लैटिन रेड एंड्स को बोलते हैं फॉर्मिका अब रेड एंड से क्या मतलब है क्यों इस एसिड क्योंकि रेड एंड जब स्टिंग करते हैं ना वो यही एसिड डालते हैं तो फॉर्मिका चूंकि रेड एंड्स का नाम है लैटिन में इसलिए इस एसिड का नाम जो रेड एंड में होता है ये कभी एंट्रस में भी आता है रेड एंड में कौन सा एसिड है बिना घर में कौन सा है तो रेड क्योंकि लैटिन में इसका नाम फॉर्मिका है इसीलिए इस एसिड का नाम लिखा गया है फॉर्मिक एसिड सो फॉर्मिक एसिड कैसे आया पहले एसिड का कॉमन है बिकॉज दिस एसिड हैज बीन ड्राइव फ्रॉम रेड एंड एंड इन लैटिन रेड को कहते हैं फॉर्मिका दैट वाई इट्स नेम इज फॉर्मिक एसिड राइट अब इसका दूसरा लेते हैं सी एच थ्री सी ओ एच दूसरा एसिड यह विनेगर से निकलता है विनेगर विनेगर में यह दूसरा वाला एसिड होता है और विनेगर को लैटिन में बोलते हैं इन लैटिन विनेगर जो होता है इसको बोलते हैं एसिटम नेगर इन लैटिन इज नोन एज एसिटम दैट इज वाई इसका नाम क्या रखा गया है एसिटिक एसिड जस्ट एन आइडिया है दो तीन एसिड के बारे में बता रहा हूं सो फॉर्मिक एसिड कैसे और एसिटिक एसिड कैसे आप फर्स्ट टू एसिड नॉ थर्ड एसिड हम लेंगे एक कार्बन बढ़ाएंगे CH3, CH2, COH ये एसिड जो है फर्स्ट एसिड ये है पहला एसिड जो ग्रीक्स वालों ने डिस्कवर किया है फर्स्ट एसिड डिस्कवर्ड बाय ग्रीक्स ग्रीक वालों ने वो लैटिन का था ये ग्रीक्स ने तो फर्स्ट को बोलते हैं ग्रीक में फर्स्ट इन ग्रीक फर्स्ट इज नोन एज एंड एसिड को बोलते हैं पॉइंट इसलिए इस, इस एसिड का नाम रखा गया इसी बेस पर प्रोपायोनिक एस्ट प्रोपायोनिक एस्ट याद रहे तीसरे एसिड का नाम हमने कहा प्रोपायोनिक एस्ट सिंपल फोर्थ वन चार कार्बन वाला एसिड सी एच थ्री सी एच टू सी एच टू सी ओ एच इसका जो है ये बटर में से बटर में ये होता है लैटिन में बटर को कहते हैं कि लैटिन वालों ने किया और बटर को बोलते हैं ब्यूटरम बटर को बोलते हैं ब्यूटरम इसलिए इस एसिड का नाम है ब्यूटारिक एसिड कॉमन नेम्स की बात हम कर हैं दीज आर कॉमन एक और कर लीजिए फिफ्थ तक सी एच थ्री सी एच टू सी एच टू सी एच टू सी एच एक ग्रीक सवालो ने इसको डिस्कवर किया एक एक एसिड हो एक ये एक, 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 एक प्लांट होता है उसका नाम है वेलेरियम वेलेरियम ग्रीक्स में एक ग्रीक ने डिस्कवर किया इन ग्रीक वेलेरियम है तो इसलिए इसका नाम रखा गया कॉमन नेम्स के लिए स्पेशल है यहां पर है सोर्स से किस सोर्स से ये एसिड आया है उसके नाम से कॉमन नेम्स आए हैं राइट पहला इसका फॉर्मिक एसिड दूसरे का है एसिटिक एसिड प्रोपायोनिक एसिड तीसरे का है देन इट इज ब्यूटरिक एसिड एंड वेलरिक एसिड ठीक है फिर एडपी डिफरेंट डिफरेंट एसिड्स है वो हम आगे देखेंगे इसको नोट कर लीजिए कॉमन नेम्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड नाउ आयोपे नेम्स आयोपे नेम्स क्या है रूल पता है हमें आईपिक नेम्स का रूल कोई डालना है लास्ट में सपोज एच सी ओ ओ एच पहला एसिड है सी एच थ्री सी ओ एच दूसरा कार्बोक्सिलिक एसिड है दो तीन लिखेंगे यहाँ पर फिर तो पता है इसका रूल सी एच थ्री सी एच टू सी ओ एच सी ओ एच एंड फोर्थ लिखेंगे सी एच थ्री सी एच टू सी एच टू इसके लिए रूल है इसके लिए पता है इसके लिए कार्बन की चेन सो लेकिन लास्ट इज रिप्लेस इट बिकम्स मीथेन एसिड ये दो कार्बन की चेन है इथ सिंगल बॉन्ड एन और ओइकेस्ट इथेन एसिड तीन कार्बन की चेन है प्रॉप सिंगल बॉन्ड एन और वन पर ओइकिस्ट इट इज प्रोपेन ओइकिस्ट चार कार्बन की चेन है ब्यूट एन ओइकिस्ट एरोमेटिक होगा सी सिक्स एच फाइव उसको हम बेंजोइकिस्ट बोलते हैं सिंपल है इसमें तो कोई ये नहीं है अब लेकिन कुछ यहां पर आपको पता होना चाहिए ये तो हो गया नॉर्मल नेम्स ऑफ कार्बोक्सिलिक नेम्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड अब कुछ डाइकार्बोक्सिलिक एसिड के नाम भी यहाँ पर हम याद रखेंगे दैट इज हेल्पफुल दैट विल हेल्प नाउ द नेक्स्ट यहाँ पर लिखेंगे कॉमन नेम्स देखो आयुपेक नेम्स तो आप आप लिख ही सकते हो उसमें कोई चिंता नहीं लेकिन कॉमन नेम्स कभी जरूरत पड़ जाता है आप डाइकार्बोक्सिलिक एसिड्स सम इम्पोर्टेंट डाइकार्बोक्सिलिक एसिड्स सिंस वी आर डूइंग कार्बोक्सिलिक एसिड्स हमें पता होना चाहिए कोई कॉमन नेम में भी आ जाए तो ये क्या है इसका आयुपेक नेम क्या है कभी एंट्रेंस में आता है क्वेश्चन कोई डाइकार्बोक्सिलिक एसिड गिवन होगा अब स्ट्रक्चर नहीं सिर्फ नाम लिखा होगा सपोज मेलानिक एसिड तो आपको बताना इसका आयुपेक नेम क्या है जब तक पता नहीं होगा ना आपको तब तक आप नहीं कर सकते हो सबसे पहला हम स्टार्ट करेंगे दो कार्बन का डाइकार्बोक्सिलिक एसिड COOHCOOH आई पैक नेम इसका है इथेन वन टू डाइओइक एसिड लेकिन हमें पता है ये ऑक्सैलिक एसिड है ऑक्सैलिक एसिड है ये वीक एसिड है मगर है डाइकार्बोक्सिलिक एसिड ऑक्सैलिक एसिड अब इसके बाद तीन कार्बन का CH2 and फिर COOH. So, तीन होगा, प्रोपेन वन थ्री डाइक लेकिन इसका जो कॉमन नेम है सो so, पहला क्या है ओक्साइलिक दूसरा क्या है मेलोनिकिस्ट राइट नोट कर लीजिए थर्ड नेक्स्ट हो गया फोर्थ ठीक है ना मतलब चार कार्बन का डाइ कार्बऑक्ट देखो उसको हम कैसे लिखेंगे लाइक दिस सी एच टू सी ओ एच सी एच टू सी ओ एच ठीक है ना इसका नाम है सक्सिनिक्त चार का सक्सिनिक्स बता इसका आयोपिक नेम क्या होगा सक्सिनिक एसयू डबल सी आई सक्स इसका आईपैक नेम होगा ब्यूटेन वन फोर डाईओइक एसिड राइट मैलोनिक एसिड का क्या है प्रोपेन वन थ्री डाईओइक एसिड राइट अब इसके बाद नेक्स्ट दीस आर इंपॉर्टेंट वंस इसलिए मैं बता रहा हूं इनका नाम फिर ये तो चार वाला है पांच वाला लेते हैं याद रखना है ये ट्रिक है बीच में एक एच और एक फिर सी एच टू एच पांच वाला इसको बोलते हैं गुलिटोरिक एसिड देखो ध्यान से बेटा ग्लिटोरिक एसिड का आयोपे नेम क्या होगा पेंटेन वन फाइव डाइक एसिड एंड लास्ट जो आपको कम से कम याद रखना है डेट विल बी दिस सी एच टू सी एच टू सी ओ एच छे ये हमने पॉलीमर्स में भी किया है अब पता नहीं किस आपको याद है या नहीं छे का बनका डाई लेके सिद्ध जरा याद है किसी बच्चे को छे का एक ट्रिक बता रहा हूं नाइल सिक्सटी सिक्स में यूज होता है शाबाश कोई बता सकता है ए से नाम है

Up after common names, after writing these IPEC names or common names of carboxylic acids, our next question is preparation of carboxylic acids. Preparation of carboxylic acids. How are carboxylic acids prepared? Preparation of carboxylic acids. Right. Uh, कार्बोक्सिलिक एसिड्स को हम प्रिपेयर कैसे करेंगे पहले एक 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 छोटा सा हमें वी कैन से फॉर्म होना चाहिए, राइट right? आप इस टेबुलेटेड फॉर्म को आप नोट कर लेंगे बीच में मैं लिखता हूं कार्बोक्सिलिक एसिड्स। आई एम राइटिंग कार्बोक्सिलिक एसिड्स इन द सेंटर तो लास्ट स्लाइड दिखाना प्रेपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स जो है इसमें हम कार्बोक्सिलिक एसिड को प्रिपेयर कैसे करें हाउ वी प्रिपेयर कार्बोक्सिलिक एसिड्स तो बीच में मैं एक टेब्युलेटेड फॉर्म में पहले ही पता होना चाहिए कौन-कौन से मेथड्स है एसिड्स को बनाने के लिए तो सबसे पहला जो है इसमें वो प्रेपरेशंस जो हमें पता है जो अभी तक हम कर भी चुके हैं हम पहले वही प्रेपरेशंस करेंगे सपोज uh, पहली प्रेपरेशन हमने अल्कोहल से की है ना फ्रॉम प्राइमरी अल्कोहल्स तो लिखेंगे फ्रॉम वन डिग्री अल्कोहल्स वन डिग्री अल्कोहल से बनता है सेकंड एल्डिहाइड से बनेगा नाइट्राइल से बनता है ये मैं पहले भी बता चुका हूं ये प्रिपरेशन फ्रॉम नाइट्राइल्स, ए मेन बहुत इंपॉर्टेंट ग्रिगनास रिएजेंट से बनता है अब कैसे बनेगा वो हम दिखाएंगे फोर फिफ्थ वन जो है फ्रॉम फ्रॉम ट्राइक्लोरोन से बनता है जैसे क्लोरोफॉर्म है या कोई और ट्राइकोर अल्केन और बहुत सिंपल है बेटा सिक्स सेवंथ एट एसिड uh, जो होते हैं ना एसिड जो एसिड uh, के डेरिवेटिव्स होते हैं सपोज एसिड एमाइड से बनता है ये, ये तो इजी है क्योंकि एसिड के डेरिवेटिव्स ही है तो फ्रॉम एसिड एमाइड से बनेगा तो सिंपल सिंपल है या एस्टर्स से बनेगा या एसिड क्लोराइड से बनेगा दीज आर बेसिकली एसिड डेरिवेटिव या एसिड एनहाइड्राइड से बनेगा चारों है इनको पानी डालेंगे तो कार्बोक्सिलिक ऑक्साइड कोई कोई ये एक ही प्रिपरेशन हम मान सकते हैं एसिड एनहाइड्राइड से बनेगा और एक मैं बता रहा हूं फ्रॉम अल्काइल बेंजीन भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रॉम अलका जैसे बनेगा right? uh, तो मैं आप थोड़ा सा बता रहा हूं इनके बारे में हम आपको देखो फर्स्ट इज फ्रॉम वन डिग्री अल्कोहल अब आपको पता होना चाहिए कि वन डिग्री अल्कोहल से कार्बोक्सिलिकसिड कैसे बनता है याद है किसी को हमने कहा भी था अल्कोहल को जब भी आप ऑक्सीडेशन करेंगे तो तो uh, अल्कोहल्स तो को ऑक्सीडेशन करते हैं तो बीच में पहले एल्डिहाइड बनता है फिर एल्डिहाइड को फर्दर ऑक्सीडेशन होती है और एसिड बन जाता है अगर मैं कह रहा हूं कि डायरेक्टली एल्डिहाइड से ही बना दो तो फिर तो इजी है ना फिर तो मैं डायरेक्टली कह सकता हूं कि एल्ड को ऑक्सीडेशन कर लो बन जाएगा तो एल्ड को ऑक्सीडेशन करेंगे वीक एजेंट भी चलेगा अल्कोहल को ऑक्सीडेशन करेंगे तो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए फिर थर्ड में ले रहा हूं थर्ड लिया नाइट्राइल मैंने जब स्टार्टिंग में हेलो अल्केन पढ़ाया था उसमें मैंने कुछ पहले से ही बता चुका हूं जब पानी डालेंगे नाइट्राइल्स में आर सी एन में हमें हमेशा कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है सो so वाटर डालो बहुत सारा पानी डालेंगे एक्सेस वाटर डालना है मगर वाटर एक्सेस होना चाहिए इन द प्रेजेंस ऑफ एच प्लस आयन एक्सेस वाटर ये याद रखना है ट्वाइस वाटर आता है तब भी कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है देन ध्यान से देख लो फ्रॉम ग्रिग्नास रिएजेंट ग्रिग्नास रिएजेंट कैसे हम बनाएंगे ग्रिग्नास रिएजेंट से हम कैसे बनाएंगे स रिजन को हाइड्रोलिसिस होता है ठीक है ना वो हम देखेंगे आगे ग्रिगनास रेजन को जब हम हाइड्रोलिस करेंगे और और बेसिकली कार्बन डाइऑक्साइड एंड वो आप दिखाएंगे जब हम रिएक्शन करेंगे लाइक like दिस पहले स्टेज में इसमें से सीओ टू में से सीओ टू पास करेंगे एंड देन हाइड्रोलिसिस

ट्राइक्लोरोन से बनता है जैसे सी एस सी एल थ्री से बनाना है पहले वहां पर ओ एच तीन सी एल की जगह तीन OH डालने पड़ेंगे फिर वो अनस्टेबल होगा वाटर रूज करेगा सो so, इसका मतलब है इसको एनवच डालो और हीट कर लो राइट तो हम ऊपर लिख भी सकते हैं इसमें एनएच याच एंड देन हीट अब जो ये तीन चार मैंने बताए ये तो सिंपल मैंने कहा ऑल द फोर आर वेरी सिंपल क्या क्या एस्टर्स एसिड और एसिड एनहाइड्राइड सिंपल इसलिए है इन चारों में हमने क्या करना है ये एक है ये भी हाइड्रोलिसिस नॉर्मली हाइड्रोलिस से बनता है ठीक है ना तो अगर हाइड्रोलिस नहीं है आप एनी भी डाल सकते हैं लेकिन नॉर्मली हाइड्रोलिस डालेंगे करेंगे पानी डालेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ एच प्लस आयन ये चारों चाहे एसिड से क्योंकि दे आर फोर एसिड डेरिवेटिव्स ये इसी से बनते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड से ही सो एसिड एमाइड एस्टर एसिड क्लोराइड एसिड एनहाइड्राइड एसिड डेरिवेटिव्स तो इनको जब भी हम पानी डालते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ H+ आयन हमें बन जाता है क्या चीज हमें बन जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड एंड नाउ द लास्ट वन जो है इसमें अल्काइल बेंजीन तो अल्काइल बेंजीन से तो बेंजोइक एसिड ही बनेगा ना ऑबवियसली अल्काइल बेंजीन से हम बनाएंगे बेंजोइक एसिड अब कैसे बनेगा ऑक्सीडेशन विद KMnO4 ये आपको याद रखना पड़ेगा दिस इज इंपॉर्टेंट ऑक्सीडेशन करेंगे लेकिन अल्कलाइन के से ऑक्सीडेशन है वो इसमें सुटेबल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है सो यही द, दस प्रपरेशन हमने पता होनी चाहिए कार्बोक्सिलिक एसिड आर सी ओ एच कैसे बनता है तो अब दो रिएक्शन लिखनी है प्राइमरी अल्कोहल ऑक्सीडेशन विद स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एस डिफाइड के टू सी आर टू एल्डिहाइड्स कोई भी वीक से वीक भी ले लो PCC मैंने पहले ही कहा था PCC एजेंट वो भी डालेंगे या स्ट्रॉन्ग होगा तो अच्छी बात है को पानी डाल दीजिए तो हमें बन ही जाएगा रिएजेंट कार्बन डाइऑक्साइड पास करना है एडिशन होगा देन हाइड्रोलिस तो हमें बन जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड कार्बोक्सिलिकेसिट्राइक्रोल तो एन डालेंगे सीएल तीन के बदले तीन वह आएगा अनस्टेबल कंपाउंड वाटर लूज करेगा हमें कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा देखो इजी एस्टेड एस्टर एस्ट एस्ट वेरी इंपॉर्टेंट इसमें क्या होता है कोई भी अगर ले ले, तो वही, वही कार्बन जो बेंजीन के साथ वाला कार्बन होगा वो उसी में ऑक्सीजन होकर सी ओ बनता है इसका मतलब है अगर मिथाइल बेंजीन को ऑक्सीजन करेंगे तब भी बनेगा अगर इथाइल बेंजीन को ऑक्सीजन करेंगे तब भी बनेगा बेंजोइक एसिड ही वो कैसे बनेगा विल से इट नाउ लेट अस स्टार्ट डूइंग दिस केमिकल रिएक्शंस द फर्स्ट वन फर्स्ट प्रिपरेशन बताइए आप क्या है फ्रॉम 1 डिग्री फ्रॉम याद रहे ये या हमने प्रॉपर्टी ऑफ अल्कोहल में भी किया था प्राइमरी अल्कोहल्स से ऑक्सीडेशन से बनता है कार्बोक्सिलिक एसिड्स अगर आपको याद होगा फिर मैंने वहां पर कहा था सेकेंडरी से बनता है ketunes, में हमने कहा था डायरेक्ट ऑक्सीजन होती नहीं उसमें पहले डिहाइड्रेशन होती है पानी निकलता है और उसके बाद फिर उसमें आ, ये होता है ये आपने नोट किया होगा फर्स्ट प्रिपरेशन जो है फ्रॉम वन डिग्री मीन्स प्राइमरी अल्कोहल से कैसे बनता है तो हमने लिखा है टेबुलेटेड फॉर्म में ऑक्सीडेशन करनी है स्ट्रॉन्ग एजेंट ले, ले लेंगे विद एसडीफाइड के टू सी आर टू सेवन के टू सी आर टू सेवन स्लैश एच डी सू फोर एसडिफाइड के टू सीआर टू सेवन राइट ये था अब रिएक्शन लिखेंगे प्राइमरी अल्कोहल ले लीजिए टेक प्राइमरी अल्कोहल। चाहे तो आप आर वन डिग्री अल्कोहल पता है आपको ये रिएक्शन हम कर चुके हैं अल्कोहल की प्रॉपर्टी में जब इसको ओ डालते हैं स्टेप वाइज भी मैंने वहां पर बताई थी पहले स्टेप में एल्डिहाइड और फिर फर्दर लेकिन रुकती है रिएक्शन कार्बोक्सिलिक बनने के बाद ही सो हम डायरेक्ट लिखेंगे आर सी ओ एच ये और एक ओ एच टू को रिमूव करने में लगता है सो so, यहाँ पर ट्वाइस एरो पर लिख सकते हैं के टू सी आर टू सेवन स्लैश एच सो फोर यहां पर अल्कोहल से बना कार्बोक्सिलिक अब ले लीजिए सी एच थ्री सी एच टू ओ एच प्लस ट्वाइस ओ इसमें लिख लो के टू सी आर टू ओ सेवन स्लैश एच फोर सी एच थ्री तो है ही है जो सी ओ एच सी जो ओ OH एच वाला है वो सीओ एच में कन्वर्ट होगा प्लस वाटर बराबर कार्बन न कार्बन बढ़ेगा न कम होगा सो so, इथेनॉल से एसिड प्रोपेनॉल से प्रोपेनोइक एसिड बनेगा सो so, यहां पर ना इथेनॉल से बना इथेनॉइक एसिड नोट कर लीजिए शाबाश दिस लीजिए टेबल में क्या है फ्रॉम एल्डिहाइड्स अब एल्डिहाइड से हम बनाएंगे एल्डिहाइड से ये तो आधा मतलब बन ही गया है अल्कोहल एल्डिहाइड तो एल्डिहाइड को कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज कर सकते हो तो इसलिए इसमें कुछ लिखने की जरूरत नहीं है यू कैन यूज स्ट्रोंग यू कैन यूज वीक यूजन तो इसलिए इसमें क्या लिखेंगे सिंपली बाय ऑक्सीडेशन में लिखूंगा बाय स्ट्रोंग वीक का मतलब ही नहीं है ऑक्सीडेशन कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यहां पर हम यूज कर सकते हैं ठीक है ना फिर एल्डेहाइड ले, ले, ले लेंगे आर सी एच ओ दिस इज एल्डेहाइड प्लस ओ अब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लिखना पड़ेगा एरो के ऊपर अब मैं दोनों लिखूंगा देख लीजिए मैं के टू सी टू और सेवन स्लैश एच टू सी फोर यह होगा स्ट्रॉन्ग वाला या मैं लिखूंगा पीसीसी ये हो गया सबसे वीक पायरेडीनियम क्लोरोक्रोमेट लिखवाया था जब मैंने टेबलेटेड फॉर्म में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लिखवाए वहां पर मैंने लिखा है कि वीकेस्ट है पी तो एल्डिहाइड से बनेगा आर सी एच सिंपल आर सी ओ ओ एच सो बना कार्बोक्सिलिक एसिड ये बना एल्डिहाइड डी जनरल रिएक्शन आप कोई रिएक्शन लेते हैं सी एच थ्री सी एच ओ plus O gives gives us same oxidizing agent K two C two seven slash H two O four. अगर आप चाहे तो और PCC लिख सकते हो मैंने इसलिए लिखा कि इससे आइडिया है तो कोई भी पहले वाली रिएक्शन में PCC इसमें डालेंगे तो नहीं होगा बिकॉज ये स्ट्रॉन्ग ही चाहिए क्योंकि पहले अल्कोहल को एल्डिहाइड बनाना होता है फिर एल्डिहाइड कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट होता है तो यहां पर तो सी एच थ्री एच तो बना एसिड कार्बन एटम रिमेन सेम इथेनॉल से ये सॉरी है, नॉट इथेनॉल इथेनल इथेनल से एसिड बना राइट दिस इज सेकंड प्रिपरेशन ऑफ एसिड, नाउ थर्ड मेथड ऑफ प्रिपरेशन थर्ड इज फ्रॉम नाइट्राइल्स पहला किया हमने फ्रॉम वन डिग्री एल्पोल सेकंड फ्रॉम एल डी नॉट थर्ड थर्ड इज फ्रॉम नाइट्राइल नाइट्राइल से कैसे हम बनाएंगे नाइट्राइल्स अब नाइट्राइल से मैंने कहा था हाइड्रोलिसिस एक्सेस एक्सेस हाइड्रोलिसिस ठीक है ना बाय Hydrolysis, एक्सेस water, hydrolysis with एक्सेस अब इसमें यह है कि अभी आप बताएंगे कि ये क्यों नहीं एक्सेस अगर नहीं है तो फिर क्या होगा फिर इसमें है एक अलग कंपाउंड बनता है वो भी आगे बता देंगे सपोज नाइट्राइल होता आर सी एन इसको जब पानी डालेंगे टू टाइम्स H प्लस की प्रेजेंस में तो ये बनाता है आर प्लस अमोनिया जो अमोनिया बेसिकली अमोनिया नहीं रहता अगर अमोनिया रहता है एसिड और बेस आपस में कंबाइन करके H प्लस इसीलिए डाला है तो अमोनियम आयन उसको कन्वर्ट कर देता है आपको वो पार्ट नहीं लिखना आप लिखिए यहां पर कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा ये है नाइट्राइल दूसरी रिएक्शन खुद लिख लीजिए शाबाश CH3 CN थ्री सी एन प्लस टू टाइम शाबाज एच प्लस आई क्या बनेगा सी एच थ्री राइट तो क्या है ये इथेनोइ एसिड राइट ठीक है बेटा सो ये था नोट कर लीजिए नाउ नेक्स्ट इज फोर्थ फ्रॉम ग्रिगनास रिएजेंट फ्रॉम ग्रिगनास रिएजेंट अब ग्रिगनास रिएजेंट ग्रिगनास रिएजेंट जो है अब ग्रिग बाईपासिंग सीओ टू बाईपासिंग सीओ टू

C डबल बॉन्ड ओ सिंगल बॉन्ड वैसे कार्बन डाइऑक्साइड का स्ट्रक्चर ऐसा नहीं है कार्बन डाइऑक्साइड ऐसा है लीनियर लेकिन मैंने समझने के लिए आई हैव रिटन लाइक दिस फिर इजी हो जाएगा थोड़ा सा कन्वीनियंस से हो जाएगी हमें देख लीजिए ये ऐड हो जाता है इस पर कैसे ये सी डबल बॉन्ड ओ ऐसे रहेगा देखो क्या होता है एक्चुअल में एक बॉन्ड को ले लीजिए आप ये स्लाइटली नेगेटिव है ये स्लाइटली पॉजिटिव है पॉजिटिव uh, के साथ ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है तो ओब्वियसली ओ नेगेटिव के साथ एम जी एक्स आएगा सिंगल बॉन्ड ओ के साथ एम जी एक्स आएगा और जो पॉजिटिव स्केल नेगेटिव आर आएगा तो आर आ गया तो एडिशन प्रोडक्ट बना राइट right? इसको हम बोलते हैं। एडिशन प्रोडक्ट देखो एडिशन का एडीडी और प्रोडक्ट का UCT, एड़, आप एडिशन प्रोडक्ट लिख लो या एडक्ट लिख लो इसी में नीचे एरो दे दो। क्योंकि फिर हम हाइड्रोलिस करनी है जब हाइड्रोलिस करते हैं देख लीजिए क्या होता है एम जी एक्स और ओ OH एच निकल जाता है यहां से एम जी एक्स एच बचा वो एक एच जो है वो यहां पर आएगा आर सी डबल बॉन्ड ओ सिंगल बॉन्ड ओ एच और सी डबल बॉन्ड ओ सिंगल बॉन्ड ओ एच अब क्या बचा एक एच तो एम जी एक्स एंड ओ एच अलग हो गया बेसिक मैलशियम हैलाइड अलग हो गया हमें क्या बना हमें तो कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया यही तो चाहिए था आर सी ओ एच पहले स्टेज में हमने क्या लिया रिएक्शन लिया इसमें पास किया कार्बन डाइऑक्साइड एडक्ट बना फिर उसको हाइड्रोलिसिस की हमें बना, राइट? अब इस रिएक्शन को हम यदि जनरल रिएक्शन अब सपोज आर की जगह सी एच थ्री ले लेंगे तो सी एच थ्री सीओ एच बनेगा आर की जगह सी टू एच फाइव ले लेंगे ले 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 तो आर तो सी टू एच फाइव एच बनेगा तो अब वही रिएक्शन लिखेंगे नेक्स्ट आर एम जी एक्स की जगह कोई लेते हैं सी एच थ्री एम जी सी एल एम जी बी आर एम जी आई प्लस कार्बन डाइऑक्साइड समझने के लिए मैंने ऐसे लिखा कार्बन डाइऑक्साइड स्ट्रक्चर गिव्स एक ही लाइन में लिखेंगे CH3 आएगा कार्बन के साथ ये डबल तो एक o के साथ एमजी बी आर एडिशन प्रोडक्ट एडिशन प्रोडक्ट या एडक्ट यहां मैंने पूरा लिख लिया एडिशन प्रोडक्ट इसे समझ आएगा एडक्ट और एडिशन प्रोडक्ट सेम होता है देन अगर आपको जगह है नहीं तो डाउन एरो कर लो वहीं से अगर या से डाउन कर लो एरो नीचे यहां से लिख सकते हो ये तरीका लिखने का अब यहां पर हमने क्या क्या, क्या काम हाइड्रोलिस की तो हमें क्या बनेगा सी एच थ्री सी डबल बॉन्ड ऑलरेडी है ओ के साथ वाटर का एच जाता है और ओ एच जाता है एम जी बी आर के साथ एम जी बी आर ओ एच बेसिक मैग्नीशियम ब्रोमाइड हाइड्रोक्सी मैक्शियम ब्रोमाइड लेकिन हमें मेन कंपाउंड क्या बना इथनोइक एसिड या एसिटिक एसिड कॉमन नेम राइट right. ये हमने आज कितने फोर मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन की एंड वेरी इंपॉर्टेंट मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन दिस फोर मेथड्स है